सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और मैं तो आपके सामने हूँ स्वस्थ और मस्त भी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग भी हम अपनी मैडम, छोटी मैम से करेंगे, रिशु मैम से। स्कूल से आ तो गई हैं वो, अब वो आप स्कूल से आते ही अपने होमवर्क में लग गई हैं, है ना रिशु? अच्छा एक बात बताओ, आपने मुझसे कल ये कहा था कि मैं अब गर्म कपड़े नहीं पहनूंगा। परसों के व्लॉग में आपने ऐसे बोला था कि मैं गर्म कपड़े नहीं पहनूंगा, बहुत पसीना आ रहा था। अब आपने क्यों पहने आज गर्म कपड़े? आज मुझे ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? झूठ इतना बोलती हो ना, ठंड लग रही है। पता चल गया ना कपड़े कहाँ रखे हैं? अलमारी जाती छत उस पे ऊपर अलमारी से निकाल के ले आती हो। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बना रही हो? अभी थोड़ी देर में भी निकाल के फेंक दोगी, फिर और पहन लोगी। मैं तो एक दिन में 10-15-3-4 कपड़े बदल देता हूँ। धोगा कौन उन्हें? मम्मी धोएगी। मम्मी धोएंगी, सही है। मम्मी को लगा धोएगा, बच्चे धोएंगे क्या? पापा भी धो सकते हैं क्योंकि आप दो नहीं बड़े हो। हम जो इताक्षी दीदी और मुझे थोड़ी आता होगा। सही है, बातें तो एक से एक करवा लो। क्यों रिशु, जवाब इतने अच्छे अच्छे देती हो, और ये इतना गंदा कैसे लिख रही हो यहाँ पे? रफ कर दिया सारा, क्यों? गलत हो गया था? मैंने ना गलती से जहाँ पे ये लिखना था ना घर का, तो मैंने इधर लिख दिया। तो क्या हुआ, लिखा रहने दी, रफ कर दिया बेकार में। 61-62 सही तो लिख रखा था आपने। चलो कोई नहीं, अब करते हैं ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर लूंगा, स्कूल में मैम ने कहा था कि जल्दी करना, मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। चलो, अच्छा बच्चा है ना, गुड बच्चा, क्यूटी पाई मम्मा का। ये भी ताक्षी के पापा भी आ गए, अब मैं जाती हूँ चाय रख कर आती हूँ। मेरे चाय मेरी हो गई ख़राब आज, चाय फट गई पता नहीं कैसे। या तो मैंने ठंडा दूध डाल दिया था इसमें, फ्रिज में से निकाल के एकदम, इस वजह से समझ में नहीं आया। अब मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। ये चाय आ गई, पता है इससे पहले जो चाय बनाई थी वो फट गई, इसलिए दोबारा चाय बना के लाई हूँ, पता नहीं किस वजह से। ये आ गई हिताक्षी, बज गया ढोल, बंद हो गया ढोल, बज रहा था। अरे मम्मी मैं आपको दिखाऊं, मैंने ना फ्रंट स्प्लिट भी सीख ली, मिडल वाली भी करी। अच्छा, पूरी कर देखो, मिडल वाली इजी है। क्या बोलते हैं? स्प्लिट। स्प्लिट इसके बाद फ्रंट वाली। वो सीख लिया, वो कैसे उस दिन जंप कर रहे थे? हाँ। है? ऐसे करके? अरे वो तो नहीं वो तो बहुत मुश्किल है। नहीं, कल... ये स्प्लिट सबसे ज्यादा मुश्किल। कितने भी बज गए, तुम मुझे बताओ। एक घंटा हो गया तुम आ रही थी, तुमने ये काम, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, कर लिया तुमने अपना होमवर्क? अरे मैथ का हो गया, मैंने कहा तो था मेरा मैथ का हो गया। चलो जल्दी सारा होमवर्क कंप्लीट करना, चलो ट्यूशन कहीं नहीं, चलो मैं कराती हूँ। इस वाले रूम के तो पर्दे धुल गए, अब उस वाले रूम के हो गए। हट जाओ रिशु, अब इतना सारा काम कैसे कर लेती हो? जैसे करते हैं हाथों से करते हैं, तो हाथों से ही तो करता हूँ। बहुत ज्यादा काम करती हो ना। हाँ। आई ट्यूशन से? अब रिशु की नई डिमांड हो रही है कि नई अलग तरह की डॉल चाहिए। एल्सा वाली है, इतनी सारी डॉल रखी है, एल्सा एल्सा वाली। मान जाएगा रिशु, उठे जल्दी। मैं भी बहुत देर से सोच रही हूँ कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं। मुझे लगा कि हेयर कट करवाने ही गए होंगे, कह रहे थे तो। दिखाना कैसे कटिंग हुई, पूरा सवा घंटे का। अच्छा
हीरो बने आए तुम तो है। चलो अब मैं बच्चों का दूध बना दूं पहले, ठीक है? फिर इनके फ्रूट्स लेकर आने हैं, इतना इसके फ्रूट्स लाने हैं। चुपचाप उठ जा, उठ जल्दी उठ। इतनी सारी डोरे रखी है, करती क्या है ये सब? कभी इधर फेंक दे, किसी का हाथ कहीं पे मिलेगा, किसी का पैर कहीं मिलेगा, किसी की मुंडी कहीं मिलेगी। एक डॉल की मुंडी रखी जरा फिर दिखाऊं मैं। ये देखो, ये रही एक डॉल की मुंडी, ये रही है ना। अभी मैं रिशु के लिए फ्रूट्स लेने जा रही हूँ और बाकी जो रिशु को क्या चाहिए वो दिला देंगे, ठीक है? चलो उठो, नाराज नहीं होते। हमने ठुकराल वाली शॉप पे गए थे एक दिन, हमने पूछा था कि एल्सा वाली डॉल है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है। तो जो सारी डॉल आपके पास है ना वही दिखाई थी उन्होंने। फिर हम कहे क्या करेंगे उन्हें लेके जब सारी डॉल वो आपके पास है। आपको नहीं पता क्योंकि मुझे पापा लेके गए थे। कहाँ पे? मार्केट में। क्रिकेट खेला जा रहा है यहाँ पे ग्राउंड में। कश्मीरी सेब है, दगीले तो ना है अंदर से खराब। ये खराब तो ही निकलेगा अंदर से। 80 रुपए, 80, 100 के 125 किलो। हाँ है, 100 के 125 किलो दे दो ना। हाँ हाँ कर दो, चलो कर दो 1 किलो ये। और केले इसमें से 1 दर्जन केले कर देना, जो खराब होने निकाल देना, बाकी इनका साइज तो सही है। और कीवी कैसे दी? 50 रुपए की। 100 रुपए की कर दी मैंने। ठीक है ठीक है, 1 पीस 50 है। 1 पीस 50, 1 पीस 50 का केले। 50 50 और 100, 150 रुपए हो गए। लाओ गए। संतरे नहीं ले रही यार, अभी वैसे भी सीजन मौसम सही नहीं है। तो फ्रूट्स हमने ले लिए, अब हम चलते हैं। मैं अपनी रीशु के लिए ना, मेरी रीशु को फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो मैंने अपनी रीशु के लिए बनाना लिए हैं और एप्पल लिए हैं। ओके, और अमरूद उस पे थे नहीं, जो दूसरी वाली कोई मिलेगा ना उस पे लूंगी अमरूद, ठीक है? डॉक्टर साहब पीछे मिल रहे थे अमरूद, एक पे मोड़ नहीं पड़ी, यहाँ से ना टर्न ले लो। टिकी शॉप पे रखी पेस्ट्री। कौन सी वाली चाहिए? अब रिशु की डिमांड है पेस्ट्री की, येलो वाली। अच्छा अभी दिलवाती हूँ, आने दो, ठीक है? कोई भैया होंगे उनसे कहते हैं लेकर आने। आ जाओ आ जाओ। 3 टिक्की ऑर्डर कर दी है और बाकी पेस्ट्री बोल रही है पेस्ट्री लेने। आपको कुछ चाहिए? और मेरी कुकू पाई को रिशु की पेस्ट्री, उसका फ्लावर ले गए, ये गया। अच्छी है। अभी हिताक्षी के गुलाब जामुन भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। ताक्षी तो अंदर ही है। ताक्षी आपने कौन सी ली है? मैंने डोरिटोस ली है, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, स्वीट ली। चले अब ये चॉकलेट, उन्होंने खुले पैसे नहीं होंगे। 3 दिए 5 रुपए क्या बोला है? गर्मी तो लगता है। अच्छी है। अभी हम सब लोग देख रहे हैं, भाभी जी घर पे है ही चल रहा है। भाई साहब ये नाटक ना मेरे घर में बस मुझे छोड़ के बाकी सब देखते हैं, सबको अच्छा लगता है। आई से बोलो। आई से फिर। आई से इंदुमती। आई इंदुमती।
इंदिरा 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 गांधी ए ऐसे आन्या आन्या ए इतना तेज क्यों हुआ ये मेरे कान फोड़ेगी ऐसे बोले इधर चीटी निकला क्या क्या बोला ए तो बस थोड़े से उधर बैठा रहा मैंने बोला आन्या भाई ए ए ऐसे ऐसे एप्पल नहीं नहीं नाम तो बताना मुझे है। मुझे दो तीन पता है अंकित आशिक हो जाएगा इसी नाम आशिक आशिक नाम होता है कोई आशीष 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 तो होता है एच हिमांशी आई आई इनाया इनाया यस इनाया ए ऐसे अनाया ए अनाया इसने बताया नहीं अभी बता वो आन्या था आन्या था ऐसे अमरपाल ऐसे बाद में बताती हूँ अमर सिंह अमर सिंह आपका क्यों नाम लूंगा मेरा अलग है आपकी टीम अलग है एच एच से अरे अमर सिंह हाँ चल अमर बोल दो ना खाली अमर हिमांशु हिमांशु आर से बोलो आर से अमर सिंह है ना एच आया अरे हम कह रहे अमर है खाली अमर आर इतने सारे मुझे तो आज तेरी बहुत याद आ रही थी मैं बहुत याद कर रहा था आज नमस्ते नहीं हुई नमस्ते मेरे राजा पापा ही नमस्ते बाइक के पास मत जलाओ यार यानी क्या कलाकारी चल रही है पूरे मुंह पे इनने पोत रखी है दिखाना था अक्षी इधर करना फेस आ गया आ गया आ गया अरे 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 जाना है उसके लिए मैं अपना सेट तैयार कर रही हूँ कल मैं क्या पहनूंगी क्योंकि पहले तैयार करके रख लूँ वो बेटर है तो मैंने कर लिया है और वो मैं आपको दिखाइए ताक्षी फोन दे ये रखे हुए हैं और ये मैं आपको कल ही पहनकर दिखाऊंगी ओके गाइस मेरी टीवी देखते देखते ऐसी सो जाती है और रिमोट दो हाँ बताओ आपको खाना नहीं अच्छा लगता लगता है तो आप खाने की जगह ये क्यों खा रही हो अंकल चिप्स क्यों मैं खाना पे खाता हूँ ये हर समय चिप्स चिप्स खाना अच्छी बात होती है कोई नहीं होती ना तो इन्हें कम खाया करो ठीक है ये मैम बोलती है ना स्नैक्स ये फूड कम खाने चाहिए है ना हेल्दी फूड ज़्यादा खाना चाहिए ना ओके ताकि तो सो गई थी विशु जा गई थी अभी इसके पापा अभी लेट गए थे इसी दिन मैंने आज दूध मंगाया था बाहर से क्योंकि दूध आज हो गया था ख़राब तो उसकी वजह से मेरा मैं बच्चों को देना पड़ेगा मुझे तो मैं दूध मंगा लिया सुबह चाय के लिए भी जाएगा और सुबह बच्चे पी लेंगे बाकी मैंने अपना किचन साफ़ किया और जो काम था अपना वो भी फिनिश कर लिया था जल्दी से मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ क्योंकि फिर रात को लेटने में बहुत देर हो जाती है हिताक्षी का मुँह देखो कैसा हो रहा है ये ऐसे ही सोती है इसके बालों से पता नहीं चलता है इसका मुंह किधर है तो अब रीशु को भी मैं सुला देती हूँ इसके भी घुटनों में दर्द होने लग गया जब इन्हें नींद आने वाली होती है तो फिर इनके पैरों में दर्द होने लगता है तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ कल मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हैव अ नाइस डे